अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम आज आपके लेके आए कुछ कैमरे और साथ में कुछ लेंस भी लेके आए, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर लाजमी किया करो और जल्दी से जल्दी 1000 के करवा दो। और दूसरी बात यह है कि आप लोग को मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जिसको आपने फॉलो करना है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम आप लोग ले गए 1855 कैनन और निकॉन के लेंस, जो इस टाइम आप देख सकते हो। ये जब आपने किट खरीदना होता है तो ये लेंस लाजमी होता है 1855, जिसके साथ इमेज स्टेबलाइजर भी है 1855 का। और ये लेंस साफ सुथरा लेंस है, कैनन अमाउंट में है, जिसका इंडोर आउटडोर दोनों काम करता है। और ये 1855 लेंस है, इसका प्राइस 8000 रुपये है कैनन का। अब आ गया निकॉन का, निकॉन का भी सेम उस तरह, उसमें इमेज स्टेबलाइजर होता है, इसमें VR आता है। और ये 10x10 कंडीशन लेंस है निकॉन के लिए, जो आपका किट लेंस है, जो हर कोई बॉडी पे, जिस मर्जी बॉडी पे वो लगा लो, आप लगा सकते हो, जिसके ऊपर चल जाता है, क्योंकि इसमें नया वर्जन भी आता है, नया वर्जन पुराने मॉडल पे नहीं चलता है। तो ये 1855 लेंस है, जिसका प्राइस 9000 रुपये है। और लेंस बिल्कुल नया लेंस है, 10x10 कंडीशन है निकॉन का 1855 लेंस। अब आ गया 50mm लेंस यंगनो का, हम लेके आए हुए, जिसके कैनन का भी इसमें है और निकॉन का भी इसमें है। तो सबसे पहले हम निकॉन का आपको बता देंगे कि लेंस देख सकते हो, ये यंगनो का है, लेकिन अमाउंट निकॉन का लगा हुआ है। ये निकॉन पे जो मर्जी बॉडी के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो निकॉन का। और ये यंगनो है 50mm, जिसका प्राइस 9000 रुपये है। और लेंस 10x10 कंडीशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लेंस है, कंडीशन देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल नया लेंस है। अब आ गया कैनन का लेंस, जो इस टाइम आप देख सकते हो, ये भी यंगनो है, लेकिन अमाउंट इसका कैनन अमाउंट में है। और ये यंगनो लेंस है, लेकिन अमाउंट कैनन है। कैनन का जो मर्जी बॉडी है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो इसको। लेंस 10x9 कंडीशन है, जिसका प्राइस 5000 रुपये है। और लेंस आप देख सकते हो इस टाइम यंगनो का 50mm लेंस। अब यंगनो निकॉन का हमारे पास नया भी पड़ा हुआ है, जो हम आपको सिर्फ दिखाई देते हैं, बॉक्सिंग करवा देते हैं। ये देख सकते हो इस टाइम, ये भी बिल्कुल नया लेंस है, 10x10 कंडीशन है। और साथ इसका प्राइस 11000 रुपये है, यंगनो 50mm निकॉन अमाउंट में है, बिल्कुल नया है, नए का प्राइस 11000 रुपये है। अब हम कुछ कैनन के कैमरे में लेके आए हुए, जिस तरह की 700D, 750 और फिर 200D, तीनों भी आउट ऑफ बॉक्स बॉडी है, लेकिन इसकी स्पिक्स हम साथ साथ बताएंगे कि इसमें क्या स्पिक्स है, फिर उसमें क्या स्पिक्स है, उसमें क्या स्पिक्स है, तो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम 700D के बारे में आपको बता देंगे। 700D सबसे पहले तो आप लोग बॉडी देख सकते हो, कंडीशन साफ़ सुथरी कंडीशन है, 10x10 कंडीशन है, विद बुक्स भी है, डब्बा भी साथ में है, 1855 लेंस भी साथ में है। ये टच LCD है और ये भी आटो बुक्स है, टच LCD आटो बुक्स है, लेकिन इसके पॉइंट आटो बुक्स पॉइंट कम है। दूसरी बात, इसमें माइक ऑप्शन भी है। और ये 18 MP है, और जिसका प्राइस 50000 रुपये है, 50 के कैनन का 700D बॉडी है। कंडीशन आप लोगों ने देखी, साफ़ सुथरी कंडीशन है। अब आ गया 750D, जो इस टाइम आप देख सकते हो कैनन का, और जो इस टाइम आप देख सकते हो बिल्कुल 10x10 कंडीशन बॉडी है। और ये 24 MP भी है कैनन 750D, जिसका टच LCD है, और आटो बुक्स भी, इसके आटो बुक्स 700D से बेटर है। 700D में वाईफाई ऑप्शन नहीं है, इसमें फिर वाईफाई ऑप्शन भी है। और ये फिर 700D से बेस्ट मॉडल है, जिसकी प्राइस 65000 है, 65000 रुपये प्राइस है। डब्बा भी साथ में, ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर है, और साथ में 1855 STM लेंस है। कंडीशन आप लोगों ने देखी, बिल्कुल न्यू कंडीशन है, साफ़ सुथरा कंडीशन है इसका, कैनन का 750D। उसके बाद आ गया कैनन का 200D बॉडी, जो इस टाइम आप देख सकते हो, इसका डब्बा भी है और कंडीशन बिल्कुल 10x10 कंडीशन है। कंडीशन आप लोग देख सकते हो इस टाइम कैनन का 200D बॉडी। 750D में और कैनन 200D में ये फ़र्क है, इसमें ब्लूटूथ भी है एंड वाईफाई भी है। और ये डुअल आटो बुक्स है, सिंगल आटो बुक्स, वो सिंगल था, ये डुअल आटो बुक्स है, जो आपके ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एंड यूट्यूबर के लिए, जो ब्लॉगिंग करते हैं, टिकटॉकर यूट्यूबर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है 200D कैनन का, जिसका प्राइस 70000 रुपये है, 70000 रुपये प्राइस इसका। और कैमरा बिल्कुल नया, 10x10 कंडीशन है, साफ़ सुथरी कंडीशन है कैनन 200D, साफ सुथरी, साथ में 1855 STM लेंस भी है, जो वीडियोस के लिए यूज़ होता है, कैनन का 200D बॉडी। अब हम निकॉन के बारे में बताएंगे आपको, कुछ बॉडीज़ लेके आए निकॉन का, जिस तरह के स्टैम देख सकते हैं, 53, 52, फिर 3200 भी लेके आए, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे 5200 के बारे में। 5200 बॉडी आप देख सकते हो, बिल्कुल 10x10 कंडीशन, साफ सुथरी बॉडी है, जिस टाइम आप देख भी सकते हो, बिल्कुल न्यू बॉडी है, साथ में बुक्स भी है, ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर है। और कंडीशन आप देख सकते हो, साफ़ सुथरी कंडीशन है। ये 24 मेगापिक्सल है और इसका प्राइस
45 के हैं, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल न्यू बॉडी है, 10x10 कंडीशन बॉडी है निकॉन का 5200, जिसके साथ आपको 18-55 लेंस भी मिलना है और इसका बुक्स, ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर सारा कुछ साथ में है निकॉन का 5200। उसके बाद आ गया निकॉन का 5300 मॉडल, जो इस टाइम आप देख सकते हो, इसकी कंडीशन 10x9 कंडीशन है, जिसका प्राइस 45,000 है। 5200 का कंडीशन नई कंडीशन थी, ये 5300 है जिसका कंडीशन 10x9 कंडीशन है। फिर 5300 में वाईफाई भी है, 5200 में नहीं है। ये भी 24 मेगापिक्सल है, वो भी 24 मेगापिक्सल है, और ये भी रोटेट LCD है, वो भी रोटेट LCD है, माइक ऑप्शन दोनों में है। बट 5300 वो भी है, ये भी है, और इसमें वाईफाई फिर है, 5200 में नहीं है निकॉन का 5300 जिसका प्राइस 45,000 है। उसके बाद आ गया निकॉन का D3200 मॉडल, जिस टाइम आप देख सकते हो साफ सुथरी बॉडी है, 10x10 कंडीशन बॉडी है निकॉन का D3200, जिसमें आपका माइक ऑप्शन है, जिसका जिसने यूट्यूब के लिए नया काम स्टार्ट करना हो या टिकटॉक के लिए लेना हो, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है निकॉन D3200, क्योंकि इसमें माइक ऑप्शन है और इसका प्राइस 35,000 है, 35,000 रुपये है, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा कैमरा है, साथ में बुक्स भी है, इसका ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर है,